बता रहा है जैसे जैसे इसको मैं धूप के साइड अगर मैं इसे करता हूँ तो देखिए वोल्टेज बढ़ जाएंगे। देखिए हेलो दोस्तों, आज है हमारे पास ये स्टारदीप का छोटा सा सोलर पैनल जो कि आप देख रहे हैं। ये स्टारदीप कंपनी का, ऊपर भी इसका आप देख सकते हैं। और ये दोस्तों पॉकेट सोलर स्टारदीप का मॉडल नंबर 111 कुछ अपना ये ऐसे ही दे देते हैं। और इसके अंदर जो सोलर पैनल वो भी स्टारदीप का, मैंने इसे खोल के देख लिया है और ये आपको भी खोल के मैं इसे दिखाऊंगा। तो इसमें देखते हैं नीचे क्या है। तो नीचे देखिए एक यहाँ पर USB लगा हुआ है और एक LED है जो कि अभी हल्की सी ब्लिंक कर रही है और इसे जितना ही धूप में करेंगे दोस्तों उतनी अधिक ब्लिंक करेगी। तो ये LED क्या करती है, एक इंडिकेशन का काम करती है। और ये जो है USB, यहाँ से आउटपुट आपका होता है जिसमें कि आपको इसके साथ एक 5 पिन का वो जो आता है डाटा केबल वो मिलता था पुराने ज़माने की तरह। तो उसमें क्या होता था कि 5 पिन होती थी जो आप लोगों ने देखा होगा, इस टाइप के होते थे दोस्तों, इस टाइप के 5 पिन होता था उसमें कि आप जो पतले पतले चार्जर आते थे पहले को उसे भी आप चार्ज कर सकते थे, उससे आप इमरजेंसी लाइट वगैरह जो होती थी सब चार्ज कर सकते थे। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये मोबाइल चार्ज कर सकता है कि नहीं तो इस वीडियो में आपको पूरा मालूम चलेगा कि आप मोबाइल चार्ज कर पाता है कि नहीं। इस वीडियो में उसका एक वीडियो भी आपको दिखा दूंगा। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कितना वोल्टेज आपको पास करता है, वही इसकी आउटपुट भी तो पता होनी चाहिए कि कितना करता है। तो मैक्सिमम सोलर पैनल जो होते हैं 5 वोल्ट 6 वोल्ट ऐसे ही ये जो छोटे पैनल आते हैं इतने ही ये प्रोवाइड कराते हैं। अगर बहुत ज़्यादा धूप लगे तो 7 वोल्ट तक भी कभी कभी जाते हैं। तो चलिए इसको पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर आउटपुट कितना होता है। अभी देखिए ये ऑन कंडीशन में है क्योंकि इसकी LED हल्की सी ब्लिंक कर रही है रेड कलर की। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक मीटर है तो हम इसे 20 वोल्ट पर सेट कर लेंगे क्योंकि हमें 5 वोल्ट चाहिए, हम उसको चेक करने वाले हैं। तो और ये डाटा केबल है जो कि इसमें से वायर ऐसे निकाला हुआ है और ये 2 वायर बेकाम की हैं तो इसको आप मत पूछिएगा। इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो मैंने दे दिया है तो आप चाहें तो उसको भी जाकर चैनल पर देख सकते हैं इस डाटा केबल का। तो इसे हमें ऐसे कनेक्ट कर देना है और थोड़ा सा ऐसे कर देना है क्योंकि अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये थोड़ा छाया में है, धूप में नहीं है। तो ऐसे थोड़ा सा इसको रख देते हैं और इसको फिर मैं चेक करता हूँ कि वोल्टेज इसमें कितना आ रहा है। देखिएगा मीटर को आप, 4.71 वोल्ट। तो अभी दोस्तों छाया में है और वो भी काफ़ी छाया में है तो इसलिए अभी ये पूरा नहीं बता रहा है। जैसे जैसे इसको मैं धूप के साइड अगर मैं इसे करता हूँ तो देखिए वोल्टेज बढ़ जाएंगे। देखिए तो दोस्तों इसे अगर आप धूप में कर देते हैं तो क्या मोबाइल चार्ज कर सकता है, तो इसका भी बात है दोस्तों। हाँ ये मोबाइल को चार्ज कर सकता है लेकिन ये मोबाइल को तभी चार्ज करेगा उसी क्वालिटी के जो कि जैसे 1000 mAh की बैटरी है और वो जो पुराने फ़ोन वगैरह होते थे तो उसी प्रकार के मोबाइल को ये चार्ज कर सकता है और आजकल के स्मार्टफोन को ये चार्ज नहीं कर सकता। हाँ चार्जिंग आपको दिखाएगा, शो करेगा कि चार्ज हो रहा है लेकिन दरअसल वो सिर्फ आपका जो जितना ये देता है करंट उतना तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वही ले लेता है, उसका जो चार्जिंग का इंडिकेशन देता है उतना ही खा जाता है। तो इसलिए चार्ज मोबाइल को नहीं कर सकता है आज के समय में। इससे आप LED वगैरह को कर सकते हैं और जो आपके स्मार्ट वॉचे छोटे छोटे आते हैं तो उसे आप कर सकते हैं, स्मार्ट बैंड वगैरह हो जाए तो उसे भी आप इसे कर सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ है छोटी सी। इसकी प्राइस भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम खोल के देख लेते हैं आखिर ये जो USB वगैरह लगा है, LED वगैरह जल रही है तो इसके अंदर कुछ किट वगैरह कोई प्रोटेक्शन दिया है या फिर ऐसे सीधा ही। तो मैंने तो खोल कर देख लिया है, आपको भी दिखा दूँ खोल कर। तो इसको देखिए पीछे 4 स्क्रू लगे हुए हैं, इसे खोलना है यहाँ पर दोस्तों। देखिए टोटल 4 स्क्रू थे जो कि मैंने इसे खोल दिए हैं और चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा अच्छे से ओपन कर देते हैं और दोस्तों मैं बताऊं तो ये जो है मेड इन इंडिया कंपनी है, तो आप इसे चाइना मत बोलिएगा क्योंकि स्टारदीप जैसा कि आप नाम भी जान रहे हैं तो मेड इन इंडिया। तो दोस्तों इसको मैं आपको पीछे से दिखाऊं तो देखिए क्या है, इसमें सिर्फ एक पैनल है। तो हालांकि पैनल को भी दोस्तों इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया गया जो भी हो या तो सिर्फ लोगो लगाया गया हो, लेकिन स्टारदीप तो यहाँ पर स्टड लिखा गया है आराम से और 110x70mm है दोस्तों, सॉरी जो मैंने 77 बता दिया था गलती था, 110x70mm है, इसको आप देख सकते हैं। और इसमें देखें तो PCB में कोई प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाया गया है जो कि LED को सेफ रखने के लिए, बाकी जो इसका आउटपुट है वो पूरा आपका डायरेक्ट है। तो सोलर में जितना ही घाम लगेगा उतना ही आपको अच्छा करंट और वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, अगर धूप कम लगेगी तो वही कम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से बंद था इसमें और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये इसकी प्राइस दोस्तों मैं बताऊँ तो ये मुझे लगभग 230 के आसपास मुझे साहब से मिला था, ये मैंने ऑफलाइन साहब से लिया था तो इसके साथ मुझे केबल वगैरह भी मिल गई थी। तो बात करें दोस्तों कि ये आपको लेना चाहिए या नहीं, तो आप अगर
इसे आप लेते हैं तो इसे आप पॉकेट में रख सकते हैं। ये आपको छोटे छोटे जो स्मार्ट डिवाइसेस आजकल निकल रहे हैं छोटे, जिसमें कि 100-150 मिली एम्पियर या 200 मिली एम्पियर की बैटरी होती है, तो वो काफ़ी अच्छे से चार्ज करेगा, क्योंकि सोलर पैनल भी 200 मिली एम्पियर की आउटपुट देता है। एम्पियर के हिसाब से करंट इसका 200 मिली एम्पियर है, और वोल्टेज तो 5-6 वोल्ट आराम से 5 वोल्ट दे ही देगा, जैसा कि आप लोगों ने मीटर में मैंने आपको यहाँ पर चेक करके भी दिखाया है। तो ये आपको 200 से 300 एमएएच की जो बैटरी होती है, तो उस उतना तक तो ये आराम से पूरा एकदम मस्त चार्ज करेगा 2 से 3 घंटे में आराम से। तो आप इसे रख सकते हैं छोटे छोटे स्मार्ट डिवाइसेस के लिए। और रही बात कि अगर आपको बड़े कोई अप्लायंस चार्ज करने हैं, जैसे मोबाइल वगैरह चार्ज करने हैं, तो उसके लिए तो आपको बड़े सोलर पैनल लगाने होंगे। और एक सोलर पैनल दोस्तों मेरे पास ये भी है, देखिए इसके साइड दोस्तों थोड़ा जो होता है एल्यूमिनियम का, वो मैंने निकाल दिया था। और ये दोस्तों सोवा कंपनी का, सोवा सोलर एज ए सोवा पावर लिमिटेड, 3 वाट का ये है। तो यहाँ पर ये वाला सोलर काफ़ी अच्छा है, अगर आप लोग चाहें तो इसे ले सकते हैं अपने छोटे छोटे वर्क के लिए। और 150 से 200 रुपये की प्राइस में अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। और इसका लिंक अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।